बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन वो कर रहे हैं। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस से बहस वो कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन लेक्चरर्स प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया है, तो अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं। तकरीबन आधा दर्जन लेक्चरर घायल हुए हैं। तो जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर प्रदेश भर से सैकड़ों लेक्चरर आए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेक्चरर्स जो हैं उनकी तरफ से लगातार अपनी मांग को उठाया जा रहा है, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप खबरें अभी तक पर इस वक्त देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल इनके लिए किया जा रहा है क्योंकि अपनी बात को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। इससे पहले भी ये प्रदर्शन करते नजर आए थे और इनका कहना था कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, जॉब सिक्योरिटी की मांग लगातार ये कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए पंचकुला से हमारी संवाददाता शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, तेवर उनके तल्ख थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था, चाहे हमें कुर्बानी क्यों ना देने पड़े, हम अपने जो वायदे से पीछे नहीं हटेंगे। जॉब सिक्योरिटी की इनकी मांग थी। आज ये जो है विधानसभा के घेराव के लिए चंडीगढ़ बॉर्डर पे पहुंचे थे। बॉर्डर पे चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस ने इनको रोक दिया। कुछ देर इन्होंने जो पुलिस को टाइम दिया, 3:15 बजे तक का समय दिया गया था। जैसे ही समय सीमा पूरी हुई, पुलिस से इनकी जो ठीक ठाक जो बहस हुई, जिसके बाद पुलिस को है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो वाटर कैनन का प्रयोग करना, जो वाटर कैनन का प्रयोग किया, तो उसमें तकरीबन आधा दर्जन जो है एक्सटेंशन लेक्चरर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया है। शशि, लेकिन इससे पहले जब हमारी एक्सटेंशन लेक्चरर से बातचीत हुई थी, उस दौरान उनका कहना रहा था कि उन्हें सीएम पर भरोसा है, पहले भी उनकी बातों पर गौर फरमाया गया है, उनकी जो सैलरी है उन्हें फिक्स किया गया था, तो अब इस बात को लेकर उन्हें भरोसा था कहीं ना कहीं कि अब भी उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, तो क्या अभी तक कोई रुख सरकार की ओर से किया गया है इनकी मांग को लेकर? जिन्हें जिस तरीके से पहले भी एक्सटेंशन लेक्चरर धरना प्रदर्शन करते रहे, अपनी नई नई मांगे लेकर आते रहे हैं। लेकिन अब दो टूक शब्दों में इनका यही कहना है कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, इसको लेकर आज इनके जो तेवर तलख नजर आए थे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का इन्होंने ऐलान कर रखा था, जिसके तहत ये चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए थे और इन्हें जो हाउसिंग बोर्ड पर जो रोक दिया गया और पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग इनको रोकने के लिए किया गया, तो अब इनका क्या कुछ कहना है शशि? नेहा, जिस तरीके से वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है, तकरीबन आधा दर्जन जो एक्सटेंशन लेक्चरर घायल हुए हैं और अभी तक ये लोग वहीं पर डटे हुए हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पिछले बार भी ये विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे, इन्हें रोका गया था, उस वक्त भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हल्के बल का भी प्रयोग इन पर किया गया था, तब भी कुछ लेक्चरर्स घायल हुए थे, बावजूद इसके ये फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा, इनका ये कहना है कि सरकार चाहे हमारे साथ कितनी भी जोर जबरदस्ती क्यों कर ले, हमने अपने अपने जो है मांगे मनवा कर रहेंगे। हमार कुर्बानी जो देने के लिए तैयार है, सरकार से टक्कर लेने के तैयार है। इन्होंने दो टूक शब्दों में ये कहा है कि सरकार के साथ हम बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और अपनी मांगे जो है मनवा कर रहेंगे। तो क्या कोई आश्वासन अभी तक शशि ने दिया गया है इनकी मांगों को देखते हुए? नेहा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है जी, बिल्कुल। और अभी ये लोग वहीं पर डटे हुए, आधा दर्जन जो लेक्चरर्स है घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में जो उपचार के लिए भेजा गया है। हाँ, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, अपनी मांगों को लेकर लगातार ये अड़े हुए हैं, अभी तक आपकी क्या किसी से बात हो पाई है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जिन्हें जिस तरीके से जो भगदड़ मची हुई है, पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को रोकने में व्यस्त है। हाँ। क्योंकि आपने देखा कि तस्वीरों में आपने देखा भारी जो पुलिस बल चंडीगढ़ हरियाणा की तरफ से तैनात किया गया है, हालांकि इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि वो ओवर उग्र ना हो जाए, इसी कारण से जो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हालांकि पुलिस अभी जो है, पुलिस की हमारी अब पुलिस से बात नहीं हो पाई है, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस अभी रुकी हुई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जिस तरीके से एक्सटेंशन लेक्चरर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हल्के बल का प्रयोग भी किया गया है, विधानसभा का घेराव इन्होंने करना था, और आपके सामने तस्वीरें हैं कि घायल भी हुए हैं लेक्चरर्स, तकरीबन आधा दर्जन लेक्चरर हैं जो घायल हुए हैं, हल्के बल का प्रयोग किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले भी अपना ये प्रदर्शन यूं ही करते नजर आए थे। इनका कहना है कि जॉब सिक्योरिटी की ये जो मांग उठा रहे हैं, उस मांग को पूरा किया जाए, लेकिन
सरकार का अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसे लेकर अब ये अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक ये यूं ही अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। और बावजूद इसके आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपके सामने है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आपको खबरें अभी तक दिखा रहा है इस वक्त, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त मौजूद है और जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं वो प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हल्के बल का प्रयोग इन पर किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल इनके ऊपर किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार रमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार रमेश, क्या कुछ अपडेट है? रमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चले दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस से बहस इन्होंने की, प्रदर्शन लगातार ये अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। अपनी कुछ मांगों को सरकार के सामने इन्होंने रखा, इनका कहना है कि जॉब सिक्योरिटी ये चाहते हैं, उस मांग को पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक उस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसे लेकर ये अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि तब तक ये यूं ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। कुमार रमेश फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है कुमार रमेश? देखिए, एक्सटेंशन लेक्चर विधानसभा का घेराव करने के लिए जो है पंचकुला से निकले थे, लेकिन उनको पुलिस ने वही रास्ते में रोक लिया जी, और उन पर हल्का सा बल प्रयोग किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उनकी ये मांग है कि सरकार उनको इनकी जॉब सिक्योरिटी दे, क्योंकि कभी भी कोई प्रिंसिपल कह देता है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, और ऐसे में बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं उनकी जॉब की जो सिक्योरिटी है वो अनफील महसूस होती है। उनको लगता है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है और उनको एक दबाव के अंदर काम करना पड़ता था। इस प्रकार की उनकी मांग थी, काफी दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा था और आज जब वो चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का सा बल प्रयोग किया ताकि उसे उधर किया जाए। बिल्कुल कुमार रमेश, तो जॉब सिक्योरिटी की मांग को लगातार ये उठाते नजर आ रहे हैं और करीबन आधा दर्जन लेक्चरर्स जो है वो घायल हुए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अभी की स्थिति यही है कि वहाँ पर पुलिस भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और उनको इधर उधर से तितर कर दिया गया ताकि जो है वो लोग पहुंच ना पाए। और जो चंडीगढ़ का बॉर्डर है जो पंचकुला के साथ लगता है, उसको लगभग सील की व्यवस्था में कर दिया गया, उधर से कोई आ नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। और प्रशासन की कोई नजर है कि किसी कदर भी जो है ये लोग जो है चंडीगढ़ के अंदर एंटर ना कर पाए। तो पुलिस ने क्या कुछ बंदोबस्त किए हुए थे कुमार रमेश इस प्रदर्शन को देखते हुए? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर पर ही अपनी बैरिकेडिंग लगा रखी थी और उधर हरियाणा पुलिस ने थोड़ा सा पीछे से उनको प्रोटेक्शन जरूर रखे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उनको एंटर नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, और जिस पर वो लोग दबाव बना करके अंदर जाने लगे तो पुलिस ने उनको रोका और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन कुमार रमेश, जो तस्वीरें बयान कर रही है, जिस तरीके से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हल्के बल का भी प्रयोग किया जा रहा है, इस बात से साफ है कि ये अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती। देखिए, इससे पहले भी एक बार जो है इनके साथ यही हो चुका है, पर भी पहले भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था बिल्कुल, उसके बावजूद भी इनका मनोबल गिरा नहीं और अभी भी हालात से यही लगता है कि इनका मनोबल गिरने वाला नहीं है और ये सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और जाहिर तौर पर एक दो बार फिर ये प्रयास करेंगे। भले विधानसभा का आज सेकंड लास्ट डे हो, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि अपनी बात को किस तरह से कैसे मनवाएं और जिस प्रकार की जो जानकारी है, जैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है सदन में भी ये मुद्दा उठाया जाए। तो कुमार रमेश कह सकते हैं कि जो कोशिश है वो लगातार जारी रहेंगी, विधानसभा का घेराव इन्होंने करना था, इन्हें रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो कोशिशें इनकी तरफ से जारी रहेंगी? बिल्कुल, कोशिशें जारी रहेंगी और इनके जो प्रवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो जो अपनी उनकी मांग उसको पूरी करवा के छोड़े। तो कुमार रमेश, कुल कितने के करीब जो है प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है जिनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है? चले संपर्क यहाँ पर टूट गया है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं खबरें अभी तक के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोका है, अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने यूं ही प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हल्के बल का प्रयोग किया गया, कुछ जो लेक्चरर्स हैं एक्सटेंशन लेक्चरर्स उस वक्त भी घायल हुए थे और आज फिर से विधानसभा का घेराव इनकी तरफ से किया जाना था लेकिन इन्हें रोक लिया गया। पुलिस भी भारी, जो पुलिस है वो भारी संख्या में इस वक्त मौजूद है, बंदोबस्त तमाम कर लिए गए थे इनसे निपटने के लिए और तस्वीरें आप देख सकते हैं घायल एक्सटेंशन लेक्चरर्स इस वक्त, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि,
लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है और फिलहाल की स्थिति क्या है पहले वो जानना चाहेंगे। इन्होंने अपने जो तेवर तल्ख सुबह से ही रखे हुए थे और इन्होंने दो टूक शब्दों में सरकार को चेतावनी दी थी कि हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं जी, लेकिन हम जो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। इसको लेकर परिवार से ही आज ये पंचकुला में जो सैकड़ों की तादाद में एक्सटेंशन लेक्चरर पंचकुला इकट्ठे हुए थे और विधानसभा घेराव के लिए पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ जैसे ही रवाना हुए, इन्हें आउटिंग बोर्ड रोक पर जो कि पंचकुला और चंडीगढ़ का बॉर्डर है वहां पर रोक दिया गया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, इन्होंने पुलिस को 3:15 तक का समय दिया था कि या तो किसी को यहाँ पर बुलवाकर हमारी मांगों को मनवाया जाए अन्यथा हम जो है अब चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। जैसे ही 3:15 का समय हुआ पुलिस से इनकी जो बैच शुरू हो गई, उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो वाटर कैनन का प्रयोग किया जिसमें तकरीबन आधा दर्जन जो है जो एक्सटेंशन लेक्चरर घायल हो गयी। तो शशि इससे पहले भी इन्होंने यूं ही विरोध प्रदर्शन किया था, इससे पहले भी विधानसभा का घेराव इनकी तरफ से किया जाना था और उस वक्त भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, हल्के बल का इस्तेमाल किया गया, आज फिर वही सब हुआ है। तो क्या कह सकते हैं कोशिशें इनकी लगातार जारी रहेंगी अपनी मांगों को मनवाने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने जो इनका जो साफ शब्दों में कहना है कि सरकार चाहे जितने भी अत्याचार अन्याय हमारे साथ कर ले, लेकिन हम अपनी जो मांगे हैं मनवा कर रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कोई कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े हम जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे और अपना जो हमारी जो जॉब सिक्योरिटी की मांग है उसको हम मनवा कर रहेंगे। तो क्या लगता है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, माना जाएगा जॉब सिक्योरिटी की जो मांग उठा रहे हैं ये लगातार? बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मांग रखी है, समय समय पर कई लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर आते हैं, सरकार के पाले में गेंद है, सरकार किस तरीके से इन्हें समझाती है, किस तरीके से इनकी मांगों को पूरा करती है आने वाला जो है समय बताएगा। तो शशि कितने कितने की संख्या में ये प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है जो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, विधानसभा का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ की तरफ कूद कर रहे थे? बिल्कुल, इस तरीके से जो है सैकड़ों की तादाद में ये लोग जो प्रदर्शनकारी है पंचकुला पहुंचे थे, परिवार समेत पहुंचे थे, काली पट्टियां इन्होंने बांधी हुई थी, विरोध प्रदर्शनकारी का जो अनोखा तरीका था और इनका साफ लहजे में यही कहना था कि अपनी बात को मनवा कर रहेंगे। तो शशि लगातार एक ही बात सामने आ रही है, इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर ये यूं ही अड़े रहेंगे जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, जॉब सिक्योरिटी की ये मांग को उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या तमाम बंदोबस्त किए गए थे? जिस तरीके से इन्होंने जो है कहा था कि सरकार के साथ है, हम आर पार की लड़ाई जो है लड़ने के लिए तैयार हैं, तो पहले से ही जो पुलिस ने अपनी जो प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई थी, जिस तरीके से बॉर्डर एरिया पर रोका गया, तो दोनों पंचकुला जो हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों पुलिस जो काफी तादाद में थी, आपने तस्वीरों में भी देखा है, और इनको जो है समझाने का भी पहले प्रयास किया गया, प्यार से जब ये नहीं माने तो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया जी। चले शशि आप बने रहिए हमारे साथ, एक्सटेंशन लेक्चरर प्रवीण कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। एक मिनट मैम, हेलो प्रवीण आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी। तो प्रवीण लगातार अपनी आप मांग जो है वो उठाते नजर आ रहे हैं, जितने भी एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं अपनी मांग को उठा रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मैम एक तो हम जो भी क्योंकि जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यू ट्रांसफर आती है या डेपुटेशन आती है या न्यू ज्वाइनिंग आती है जी, तो हमें डिसप्लेस कर दिया जाता है विदाउट किसी नोटिस के। हमारे को कहीं भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, पिछले 6-7 साल से हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और कभी भी हमें ये कह दिया जाता है कि बस अब आप जाइए जी। हाँ जी, तो जिस तरीके से आप अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, आज भी विधानसभा का घेराव आपकी तरफ से किया जाना था और आपको रोक दिया गया है, सैकड़ों की तादाद में एक्सटेंशन लेक्चरर्स एकजुट हो चुके हैं, तो अभी तक आपकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? मैम अभी तक सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई प्रक्रिया नहीं आई है, एक बार सीएम हाउस में मैसेज जरूर आया था कि हम 3:00 तक आपकी मीटिंग करवा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे साथ जुड़ा नहीं है जी। तो प्रवीण जिस तरीके से पहले भी आप लोगों से बात हुई थी तो आपका कहना था कि आपको भरोसा है सीएम मनोहर लाल खट्टर पर कि वो आपकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे, पहले भी आपकी मांगों की तरफ ध्यान दिया गया था, तो अब तक अगर आपको भरोसा था तो अब तक आपकी मांगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, कोई आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? मैम अब मांगों की तो हमारी बात एक तरफ रहती है, कल गुड़गांव के अंदर सोनीपत के अंदर एक लेक्चरर के ऊपर सरेआम गोलीबारी की जाती है और उस लेक्चरर की डेथ हो जाती है, जब हमारी सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है, हम जॉब सिक्योरिटी की क्या डिमांड कर सकते हैं? तो प्रवीण अब जो हालात हैं सबके सामने हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है
और लगातार जो है हल्के बल का भी प्रयोग किया जा रहा है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। तो अब इस पूरी जो तस्वीर आपके सामने भी साफ हो चुकी है और हम भी देख रहे हैं कि अभी तक मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब आपका क्या कहना है? कर रहे हैं कि सीएम साहब से हमारा कॉन्टैक्ट हो, अगर हाँ। सीएम साहब की तरफ से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं होता है हाँ। तो हम शाम को आपस में स्टेट लेवल पे मंत्रणा करके कल से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं जी। तो प्रवीण, जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने हैं, हल्के बल का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, कितने जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं इसमें घायल हुए हैं? मैम, 4 एक्सटेंशन लेक्चरर इस टाइम पूरे गंभीर रूप से घायल हैं। एक की आंख पे चोट है, एक रेखा तंवर मैम है वो अभी होश में ही नहीं है, एक कालका से हरदीप जी है उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह जो छोटी मोटी चोटें हैं वो कई लेक्चरर्स को लगी है, लेकिन ये 3 अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर है और मैं डायरेक्ट आपसे वहीं से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रवीण, क्या बातचीत हो पाई पुलिस प्रशासन से जब आपको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि आपकी तरफ से पहले ही ये बात कह दी गई थी कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा? मैम, ये उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं, हमारे ऊपर वाटर कैनन का जबरदस्त प्रयोग किया है, हल्का लाठीचार्ज भी हमारे ऊपर देखने को मिला है। हाँ प्रवीण, पिछली बार भी इसी तरीके से जो है कदम उठाए गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, तब भी हल्के बल का प्रयोग किया गया था और आप अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए थे, अभी तक अड़े हुए हैं। तो सरकार जिस तरह से ध्यान नहीं दे रही है आपकी मांगों को देखते हुए, क्या कोशिशें लगातार यूं ही जारी रहेंगी अपनी मांगों को लेकर, उन्हें मनवाने के लिए? मैम, बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी और अगर आज भी कुछ नहीं होता है तो कल से हम सभी एक्सटेंशन लेक्चरर आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। हाँ, तो अब आगे की रणनीति प्रवीण क्या रहने वाली है? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। प्रवीण, अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, जिस तरीके से अभी तक कोई ध्यान आपकी मांगों की तरफ नहीं दिया जा रहा? तो मैम, इसके अंदर ये है कि एक तो हम लगातार अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सीएम साहब से संपर्क हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी हमें 3 बजे तक का टाइम दिया था जी। चलो अगर वो अभी भी आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना फिर हम इसी मांग पर अड़िग रहेंगे और आज हम हाउसिंग बोर्ड नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक हमारी डिमांड कवर नहीं होती। तो आपका कहना है कि आपकी मांगों की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप अपनी मांगों को लेकर यूं ही अड़े रहेंगे। कितने गेस्ट जो माफ कीजिए एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं इस वक्त मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव आपने करना था? मैम, आज हम 700-800 के करीब एक्सटेंशन लेक्चरर ऑल ओवर हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं जी। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक्सटेंशन लेक्चरर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि अपनी मांगों को किस तरीके से वो मनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यूं ही अड़े रहेंगे जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शशि, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि एक्सटेंशन लेक्चरर जो है अपनी मांग मनवाने की जिद पर अड़े हुए हैं, उनका साफ लहजे में कहना है कि मनवा कर रहेंगे अपनी मांग को। उनका यह कहना कि अगर पुलिस जबरदस्ती आज हमें उठाती है तो कल से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। हाँ। आमरण अनशन शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को उसके बाद झुकना पड़ेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम अपडेट के लिए। तो तस्वीरें लगातार खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक के जरिए आप देख रहे हैं खबरें अभी तक के माध्यम से। तो किस तरीके से एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता, सरकार उनकी मांगों की तरफ यूं ही ध्यान नहीं देगी, तो लगातार वो यूं ही अड़े रहेंगे और अगर अभी भी उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता तो वो आमरण अनशन पर चले जाएंगे। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को 3:15 बजे तक का समय दिया था, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हल्के बल का प्रयोग भी किया गया। तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार करते ये नजर आए, बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर विधानसभा का घेराव करने ये निकले थे, जिसके बाद इन्हें रोक लिया गया, पुलिस ने पंचकुला बॉर्डर पर इन्हें रोक लिया था। उसके बाद जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई लेक्चरर्स इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जॉब सिक्योरिटी की मांग लगातार इनकी तरफ से उठाई जा रही है और इनका कहना है कि सीएम से एक बार ये मुलाकात करना चाहते हैं और अपनी मांगों को उनके सामने रखना चाहते हैं और अगर उनकी मुलाकात नहीं होती, उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो उसके बाद ये आमरण अनशन पर चले जाएंगे। तो एक्सटेंशन लेक्चरर की नारेबाजी लगातार जारी है, प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है, काली पत्तियां बांधकर विधानसभा घेराव के लिए निकले थे, चंडीगढ़ की तरफ कूच इन्होंने किया था और इन्हें उससे पहले रोक दिया गया है, पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था,
तो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करते ये नजर आ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। जॉब सिक्योरिटी की मांग लगातार इनकी तरफ से उठाई जा रही है। इससे पहले भी इन्होंने यूं ही प्रदर्शन किया था, तब भी इन्हें रोकने की कोशिश की थी। आज फिर विधानसभा का घेराव इनकी तरफ से किया जाना था, जिससे पहले इन्हें रोक लिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई एक्सटेंशन लेक्चरर्स घायल भी हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी संख्या में पुलिस बल भी जो है यहां पर मौजूद है। पुलिस बल पहले से ही तैनात था, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनका कहना था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए वरना वो विधानसभा का घेराव करेंगे, और इसी मंशा से वो आए थे। लेकिन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो आमरण अनशन करेंगे। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।